हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स यापा। और मैं हूँ स्वाति। आज मैं आपको कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अब हम कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए एक बर्तन में दूध। मैं 1/2 लीटर दूध ली हूँ। अब इसे बॉयल कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप कस्टर्ड पाउडर डायरेक्टली दूध में डाल देंगे ना, तो उसमें लम्स आ जाएंगे और हमारा कस्टर्ड पाउडर स्मूथ और क्रीमी नहीं बनेगा। इसके लिए रूम टेम्परेचर वाले दूध में या ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर मिला लें। अब दूध बॉयल हो गया है, इसमें अब ऐड करेंगे शुगर। यहाँ मैं 1 कप शुगर ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें मिक्स करते टाइम आप गैस का फ्लेम लो से मीडियम कर दें। अब शुगर हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल। कस्टर्ड पाउडर का घोल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और साथ में मिलाते भी जाएं। इसे अच्छे से मिक्स करते रहिएगा, वरना इसे थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो आपका घोल खराब हो जाएगा। जब तक कस्टर्ड का घोल अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, तब तक आप इसे मिलाते रहिए। इसके बाद इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने दें। ध्यान रखिए कि ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और ज़्यादा पतला भी नहीं हो। अब कस्टर्ड तैयार हो गया है, इसे दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर ले। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रूट्स। तो चलिए अब आप देख लीजिए कौन कौन सा फ्रूट्स मैं ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बनाना, ग्रेप्स और एप्पल। आपको जो फ्रूट्स पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड में बस पानी वाला फ्रूट्स नहीं रहना चाहिए, जैसे ऑरेंज, वाटरमेलन। अब इसमें सारे फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें अलग से फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार आप ट्राई ज़रूर करें।